लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र को घेरा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी ताकत भारत में जाति आधारित जनगणना को नहीं रोक सकती। उन्होंने इसे अपने जीवन का मिशन बताया और इसे हासिल करने की कसम खाई है। राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरे जीवन का मिशन है और मैं इस मिशन को छोड़ने वाला नहीं हूं। कोई भी ताकत जाति आधारित जनगणना को नहीं रोक सकती। ये जो पूरी मूवमेंट है ना बीजेपी वाली, इसका मिशन आपकी हिस्ट्री को मिटाने का है कि आप लोग अपनी हिस्ट्री ना पहचानो और ना समझो। तो एक प्रकार से आपको बीते हुए समय से काट दिया गया है। यह हुआ है आपके साथ और आपकी हिस्ट्री है। आपकी हिस्ट्री फूले जी हैं, अंबेडकर जी हैं, नहीं अंबेडकर जी हैं, मगर वो बहुत चुने हुए लोगों की हिस्ट्री है, दो तीन चार लोगों की हिस्ट्री है, मगर एक्चुअली फूले जी जैसे करोड़ों लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 24 घंटा अपना खून पसीना दिया, मगर उनकी कोई बात ही नहीं करता है। तो जो आपकी हिस्ट्री है जिसको मिटाया गया है, जिसको मिटाया गया है उसको रिवाइव करना है। आजादी की लड़ाई में मैं आपसे पूछता हूं, आजादी की लड़ाई में आपका क्या रोल था? क्या रोल था आपका आजादी की लड़ाई में? सेंट्रल रोल था आपका आजादी की लड़ाई में। आजादी की लड़ाई पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, इन सब ने लड़ी, मगर कोई मेंशन ही नहीं। माइनॉरिटी भी। तो मेरा कहना है कि जब तक हम आपकी हिस्ट्री को रिवाइव नहीं करेंगे, जब तक आपकी एक बार फिर जड़ नहीं लगेगी, हिस्टोरिकल जड़ नहीं लगेगी, तब तक यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मगर यह एक बात समझ लीजिए कि जो मैंने आपसे पहले कहा, यह मेरे लिए राजनीति नहीं है, यह मेरे लिए लाइफ मिशन को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा आप लिख लो जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है।